दोस्तों, अगर आप प्लान कर एक 43 इंच 4K टीवी लेने का और आपको कन्फ्यूजन है कि आप रियलमी की टीवी ले या फिर व्यू प्रीमियम ले या फिर नोकिया की 43 इंच 4K टीवी ले, तो अगर आपको इन तीनों टीवी में कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला इन्हीं तीनों वीडियो को और आपको बताऊंगा कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो और बहुत सब कुछ कंपेरिजन होने वाला है इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी मसालेदार तीखा पानी पूरी तरह होने वाला है, तो स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, डरना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं दिखा रहा हूं, इसी के साथ ही साथ कुछ भी मैं अनबॉक्सिंग भी नहीं करके दिखाऊंगा। यहां पे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि यहां पे आपको जो आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको बचाया जाए, इसी के साथ ही साथ आपको जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू दिया जा रहा है उसको बिना भेदभाव के जो जो सही सही है उसको बताया जाए। तो बस इसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हो, वीडियो को शुरुआत कर दे। और आप सभी इस कंपेरिजन वीडियो को आसानी से समझ सके, यहाँ पर मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कौन सी टीवी की अच्छी है। दूसरा पॉइंट होगा कि ऑडियो क्वालिटी कौन सी टीवी की अच्छी है। बात करेंगे परफॉर्मेंस की, उसके बाद कनेक्टिविटी की। तो ये यहां पे चार कैटेगरी में डिवाइड किया है इन्हीं तीन ही टीवी को। तो यहां पे आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी के बारे में, कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। शुरुआत करते हैं नोकिया की टीवी से। तो नोकिया की टीवी में आपको A+ ग्रेड का 10-bit पैनल देखने मिल जाएगा, इसी के साथ ही साथ यहां पे 100% वाइट कलर गैमेट का सपोर्ट भी है। एडिशनली आपको डॉल्बी विजन और HDR10 का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। लेकिन यहां पे जो सबसे बुरी बात लगी नोकिया की तरफ से, यहां पे आपको ब्राइटनेस निट्स बहुत ही कम है। 300 निट्स के ब्राइटनेस निट्स मुझे लगता है कम है, स्पेशली जो लोग अगर टीवी लेंगे और हॉल में रखेंगे, हॉल में या फिर अगर बाहर से जहां पे भी सनलाइट आ रही है तो वहां पे आपको थोड़ा सा कलर लॉस और बोलते ना थोड़ा सा ऐसा लगेगा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है आपको, कलर थोड़े से बोलते ना ब्लर दिखेंगे या फिर जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो आपको देखने नहीं मिला, क्योंकि यहां पे ब्राइटनेस निट्स काफी कम है। इसी के साथ ही साथ जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 1100:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो, ये भी काफी कम है। तो मुझे लगता है यहां पे अगर इस चीज का ध्यान देना चाहिए था नोकिया वालों को। लेकिन अगर आप टीवी लेने का प्लान करो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे अगर आपके रूम में बाहर से सनलाइट आ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बात करें अब व्यू प्रीमियम टीवी के बारे में, तो यहाँ पे इस टीवी में VA पैनल के साथ ही आने वाली टीवी है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको 8-bit का पैनल देखने मिल जाएगा। बात करें एडिशनल पिक्चर क्वालिटी से रिलेटेड फैक्टर के बारे में, तो यहाँ पे डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG का सपोर्ट है। और एडिशनली यहाँ पे इस टीवी में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस निट्स देखने मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथ जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, यहाँ पे अगर वीवो वालों ने अगर उन्होंने स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया हो तो ज़्यादा अच्छा रहता था। और इसी के साथ ही साथ ये टीवी आती है डायरेक्ट LED के साथ। और एडिशनली यहाँ पे जो क्रिकेट मोड दिया गया इस टीवी में पिक्चर क्वालिटी के लिए, तो यहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस है स्पेशली क्रिकेट मोड का। क्रिकेट मोड के लिए ये टीवी बहुत ही पॉपुलर है। तो अगर आप क्रिकेट के फैन हो और क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो ये टीवी आपके लिए 100% परफेक्ट होगी। और अब बात करें रियलमी टीवी के बारे में, तो रियलमी टीवी बेसिकली आती है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। बाकी जो टीवी हमने देखी वीवो और नोकिया वो एक 4K रेजोल्यूशन के साथ थी। यहाँ पे जो रियलमी की टीवी है फिलहाल के लिए अभी उन्होंने जो टीवी लॉन्च की है वो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आ रही है। इसी के साथ ही साथ एक VA पैनल लगाया गया और 8-bit का पैनल आपको देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। बात करें यहाँ पे इसके जो मेजर पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो यूज़ करें क्रोमा बूस्ट इंजन, तो इसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली ऐसा रियलमी का दावा है। साथ ही साथ HDR10 और HLD का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। बात करें ब्राइटनेस निट्स के बारे में, तो यहाँ पे इस टीवी में 400 निट्स की ब्राइटनेस निट्स देखने मिल जाएगी। एडिशनली यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है बाकी दोनों टीवी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। तो ये बातें होगी पिक्चर क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे अगर इसको समराइज किया जाए तो मेरा एक जो रिकमेंडेशन होगा वीवो प्रीमियम की तरफ होगा, जिसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बाकी दोनों टीवियों के कंपैरिजन में। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं इनके ऑडियो क्वालिटी और साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे तीनों ही टीवियों में लगाए गए 24 वॉट के साउंड आउटपुट। इसी के साथ ही जो साउंड टेक्नोलॉजी है डॉल्बी ऑडियो, इसी के साथ डॉल्बी डिजिटल और DTS2 सराउंड, सबका सपोर्ट आपको तीनों ही टीवी में देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आता है नोकिया की टीवी में, नोकिया की टीवी में लगाया गया है JBL के स्पीकर, और JBL के स्पीकर की आवाज़ की मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसी होती है साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पे नोकिया की जो टीवी है उसमें ऑडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है। तो दोनों ही टीवी में अगर मैं तीनों टीवी को कंपेयर करने का, मुझे लगता है कि नोकिया की टीवी का जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही जबरदस्त है।
अब यहाँ पे बात करते हैं टीवी के परफॉर्मेंस के बारे में, ये कौन सी टीवी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और परफॉर्मेंस को जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेन रोल होता है उनका परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर, और जो मेन हार्ट होता है टीवी का, जो बैकग्राउंड में जितनी प्रोसेसिंग हो रही है सब कुछ चल रहा है, वो प्रोसेसर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नोकिया टीवी में, तो नोकिया की जो टीवी है उसमें लगाया CA53 का क्वाड कोर प्रोसेसर, इसी के साथ जो GPU का कॉम्बिनेशन है वो वहाँ पे दिया गया है Mali 450। बात करें वीयू की टीवी में कौन सा प्रोसेसर लगाया गया, तो यहाँ पे एक हाई एंड क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया, लेकिन यहाँ पे जो GPU कॉम्बिनेशन है वो अभी तक वीयू ने स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ पे मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे बात करते हैं रियलमी की टीवी में कौन सा प्रोसेसर लगाया गया, तो रियलमी की टीवी में लगाया गया प्रोसेसर मीडिया टेक का एकदम ज़बरदस्त और सबसे अच्छा प्रोसेसर। अगर मैं ये दोनों ही टीवी को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है सबसे अच्छा रियलमी की टीवी में लगाया गया, तो यहाँ पे आपको हैंग और थोड़ा सा बोलते ना लाइफ जो टीवी के है यहाँ पे इन दोनों टीवी को कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर लगाया गया काफी अच्छा है। साथ ही साथ जो GPU का कॉम्बिनेशन है Mali 470 MP3 का भी सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। जब हम बात करें प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, तो ये तीनों ही टीवी में एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा और जो वर्जन है एंड्रॉइड 9 Pie का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल स्टोरेज और रैम में काफी डिफरेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि नोकिया की टीवी में कितना रैम और स्टोरेज है। तो नोकिया की टीवी में आपको देखने मिल जाएगा 2.25 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी नोकिया की तरफ से। एडिशनली अब बात करें रियलमी की टीवी के बारे में, तो रियलमी की टीवी में आपको 1 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज, जो कि बहुत ही कम है। तो यहाँ पे एक मेजर माइनस पॉइंट होगा रियलमी की तरफ से, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी कुछ ऐप्स गेम डाउनलोड करोगे, लेकिन अगर आपको नहीं मिलेगा स्पेस तो डाउनलोड कहाँ करोगे। इसी के साथ ही बात करें वीयू प्रीमियम में, तो वीयू की प्रीमियम में आपको देखने मिल जाएगा 2 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे भी आप गेम्स वगैरह ऐप्स वगैरह काफी डाउनलोड कर पाओ, क्योंकि आपको इंटरनल स्टोरेज काफी अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे माइनस पॉइंट में जाती है रियलमी की टीवी, बाकी दोनों टीवी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगी। और जहाँ तक सवाल है कंटेंट प्रोवाइडर का, तो यहाँ पे टीवी में तीनों ही टीवी में अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब परफेक्टली चलने वाला है, कोई भी टेंशन देने वाली बात नहीं। और आपको तीनों ही टीवी में प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन देने वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले नोकिया की जो टीवी है वहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस टीवी में कोई भी आर्क पोर्ट नहीं है। तो आप कोई भी होम थिएटर वगैरह कनेक्ट करना रहेगा या फिर HDMI का जो ऑडियो रिटर्न चैनल है वो फैसिलिटी आपको इस टीवी में देखने नहीं मिलेगी, तो एक मेजर माइनस पॉइंट होगा। एंड हो सकता है आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ले, लेकिन जो HDMI की ऑडियो रिटर्न चैनल की बात होती है कुछ अलग ही होती है, क्योंकि काफी अच्छी क्वालिटी वो प्रोड्यूस करता है। और इसी के साथ ही साथ आपको पोर्ट में कमी की गई है, यहाँ पे 3.5 mm का जैक भी नहीं दिया गया नोकिया के टीवी में। तो अगर आप कोई हेडफोन लगाना चाहते हो और गेम खेलना चाहते हो तो मजा नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो बोलते ना यहाँ पे आपको हेडफोन जैक ही नहीं, तो आप कनेक्ट कहाँ करोगे। मैं मानता हूँ कि चलो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे, लेकिन ब्लूटूथ में भी वो थोड़ा सा लैग और थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है। तो यहाँ पे हम नोकिया वालों को 3.5 mm का जैक देना चाहिए था। अब बात करें वीयू प्रीमियम में, तो वीयू की प्रीमियम में आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और बाकी जरूरी जितने ही पोर्ट होते हैं मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक पोर्ट जो दिया गया वो ARC पोर्ट है, तो जो कि बहुत अच्छी बात होगी वीयू प्रीमियम की। और अब यहाँ पे बात करें रियलमी टीवी के बारे में, तो रियलमी की टीवी में भी आपको देखने मिलेगा 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट, इसी के साथ ही साथ जो एक पोर्ट है ARC पोर्ट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 3.5 mm का जैक आपको इस टीवी में देखने मिलेगा, बहुत अच्छी बात है इसके लिए भी। एडिशनली अब यहाँ पे बात करें ब्लूटूथ के बारे में, तो तीनों ही टीवी में आपको ब्लूटूथ 5.0 दिया गया, इसके लिए मैं तीनों ही टीवी को हैट्स ऑफ करना चाहूंगा। जैसा हमें पता है कि यहाँ पे ये तीनों ही टीवी वाईफाई एनेबल टीवी है, वाईफाई का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेजर माइनस पॉइंट है कि भाई इन तीनों ही टीवियों में जो नोकिया की टीवी है और रियलमी की टीवी है वहाँ पे आपको दोनों ही टीवियों में देखने मिल जाएगा सिंगल बैंड वाईफाई, जो मुझे लगता है बहुत ही गंदा काम किया है रियलमी ने भी और नोकिया ने भी। उनको दो डुअल बैंड वाईफाई देना चाहिए था, जो वीयू प्रीमियम में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि दोनों में फर्क ये है कि डुअल बैंड वाईफाई हमेशा बेटर होता है। आप नेट पे कोई भी बोलते हैं ना ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हो, तो अगर आपको नेट अगर पर नहीं चल रहा है या फिर नेट अगर ऊपर नीचे होता है तो वो डुअल बैंड वाईफाई में मैनेज हो जाता है, लेकिन सिंगल बैंड वाईफाई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पे वीयू की प्रीमियम टीवी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नोकिया और रियलमी ने एकदम घान कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन में, तो यहाँ पे तीनों ही टीवी में 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोनों ही टीवियाँ नोकिया और जो वीयू है आपको 4K रेजोल्यूशन के साथ आती है, और जो रियलमी की टीवी है Full HD TV के साथ, Full HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। अब यहाँ पे बात करें टीवी के प्राइसिंग के बारे में, तो सबसे पहले जो नोकिया की टीवी है 4K वाली 43 इंच 4K टीवी वो आपको मिल रही है मार्केट में 32,000 रुपये में, फ्लिपकार्ट मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए मैंने। अब बात करें वीयू के प्रीमियम टीवी के बारे में, तो वीयू की जो
प्रीमियम टीवी है वो आपको मिल रही है 26,000 में फ्लिपकार्ट पे। एडिशनली अब बात करें रियलमी टीवी के बारे में, तो रियलमी टीवी जो है फुल एचडी टीवी, इसलिए प्राइस उसका थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप प्लान करो एक फुल एचडी टीवी लेने का, तो अगर आप रियलमी का प्लान करो तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज दें। 4,000 रुपया देंगे ज्यादा, लेकिन आपको काफी बेनिफिट देगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा और हर चीज में ये बेटर है। एडिशनली आपको रिजोल्यूशन भी बेटर मिल रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप रियलमी की टीवी ले रहे हैं फुल एचडी 22,000 रुपए में, तो 4,000 रुपए और डाल दीजिए, लेकिन आपके लिए व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज बेटर होगी। तो अगर आपको कंफ्यूजन है टीवी की डिजाइन के बारे में, कौन सी टीवी की डिजाइन अच्छी है, तो तीनों की तीनों टीवी जो है उनकी डिजाइन बहुत ही अच्छी है। बेजल डिजाइन के साथ ही हल्का सा खाली आपको बेजल देखने मिल जाएगा टीवी के नीचे साइड, जो बेसिकली टीवी का चेन कहा जाता है, तो वो वहां पे हल्का सा बेजल देखने मिल जाएगा। बाकी एकदम बेजललेस है और डिजाइन काफी अच्छी है। 19-20 का फर्क है बेजल के मामले में, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। और एडिशनली अब यहां पे बात करें वारंटी के बारे में, तो दोनों ही टीवियों में मतलब नोकिया और व्यू में आपको 1 साल की वारंटी देखने मिलेगी ओवरऑल। लेकिन जो रियलमी ने यहाँ पे लेके आया है एक 1 साल की वारंटी तो दे रही है आपको टीवी का टेक्निकली जो भी प्रॉब्लम होगी, एडिशनली आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है पैनल पे। तो यहाँ पे एक अलग से स्टैंड आउट करता है रियलमी की टीवी, जहाँ पे आपको एडिशनल वारंटी देखने मिलेगी, तो एक अच्छी बात होगी रियलमी टीवी की यहाँ पर। तो दोस्तों यही था ओवरऑल कंपेरिजन इन तीनों ही टीवियों को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए, और या फिर आपने डिसीजन ले लिया कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया, या फिर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव, या फिर कोई भी राय हो, तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई डिसलाइक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जरूर कीजिए, वहां पे भी काफी कुछ अपडेट्स डालते रहता हूं। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।